अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर। किसी भी नेता की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उसकी छवि है। उसकी छवि के आधार पर ही उसे बड़े बड़े पद मिलते हैं और जब उन्हीं हाथों से सत्ता की ताकत आती है तो फैसलों के जरिए उस छवि को मजबूत बनाया जाता है। आज मैं इन बातों का जिक्र इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में इन दिनों ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी के खेमे में अभी तक योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा सरमा ही ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अपने फैसलों के चलते सुर्खियों में रहते थे, लेकिन इस लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है, मोहन यादव। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने अभी 100 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन अपने फैसलों से मोहन यादव ने राज्य की सियासत में एक नई लकीर खींचने की कोशिश की है। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश सरकार के कुछ ताजा फैसलों के बारे में बता देता हूं। मोहन कैबिनेट के फैसले के मुताबिक मध्य प्रदेश में खुले में अब मांस नहीं बेचा जा सकेगा। मांस के अलावा अंडा और मछली बेचने को लेकर भी गाइडलाइन जारी हुई है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाएंगे। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर भी नहीं होगा। ये बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन मोहन सरकार के कुछ फैसले कागजों पर हुए हैं तो कुछ फैसले कार्रवाई के रूप में नजर आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बुलडोजर वाला एक्शन। मध्य प्रदेश में अब रोज कहीं ना कहीं बुलडोजर चल रहा है। 14 दिसंबर को मोहन सरकार का पहला बुलडोजर भोपाल में फारूक राइन नाम के युवक के घर पर चला। आरोप लगा था कि फारूक ने बीजेपी कार्यकर्ता की हथेली काटी थी और आज उज्जैन में बुलडोजर की कार्रवाई उस जगह दिखी जहां खुले में मांस बेचा जा रहा था, यानी फैसला ऑन द स्पॉट। यही तस्वीर दिख रही है मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के सारे ही मुख्यमंत्रियों के बीच एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन कितना ज्यादा धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करे जिससे कि मूल मुद्दे जो हैं वो कहीं गुम जाएं या पीछे छूट जाएं, क्योंकि मूल मुद्दों पर भाजपा न चर्चा कर सकती न संवाद कर सकती, इसलिए धार्मिक मुद्दों पर धार देने का काम भाजपा कर रही है। ये कार्रवाई के तौर तरीके की अगर बात करें, ये सरकारी फैसले मध्य प्रदेश के लिए भले ही नए हो लेकिन देश के लिए नए नहीं है। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तभी से ऐसी कार्रवाइयां देश भर में देखी जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरुआती दिनों में क्या फैसले लिए थे वो भी मैं आपको एक एक कर बताता हूं ताकि आप तुलना कर सके। योगी सरकार ने सबसे पहले अवैध बूचड़खानों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया। सरकार बनने के शुरुआती दिनों में ही एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। एक फैसला यह भी था कि सरकारी दफ्तर में पान गुटखा और पॉलिथीन पर प्रतिबंध रहेगा। ये तमाम फैसले योगी आदित्यनाथ ने लिए, यानी मध्य प्रदेश में जो एक्शन दिख रहा है उसका ब्लूप्रिंट 2017 में योगी आदित्यनाथ पहले ही तैयार कर चुके हैं। 2017 के बाद यूपी में कुछ चर्चित फैसले हुए जिसने योगी मॉडल को जन्म दे दिया। ये योगी मॉडल क्या है? इसी मॉडल पर कई राज्यों ने बढ़ने की कोशिश भी की। गुजरात और उत्तराखंड समेत कुछ बीजेपी शासित राज्यों में खूब बुलडोजर चला। बहुत से मुख्यमंत्रियों ने योगी मॉडल की राह पर चलने की कोशिश की। इस बात में कोई दो राय नहीं कि योगी मॉडल देश भर में जबरदस्त तरीके से हिट हुआ और आज भी है, लेकिन वक्त के साथ साथ दूसरे राज्यों की रफ्तार कम होती गई। ऐसा एक्शन मध्य प्रदेश में उन दिनों भी खूब देखा गया जब शिवराज सिंह चौहान यहां मुख्यमंत्री थे, लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को देखकर लगता है कि वो इस मामले में अपनी रफ्तार कम शायद ही करें। मोहन यादव ने पहले दिन से ही साफ कर दिया कि उनकी नीति क्या रहने वाली है। हाईकमान को ऐसे फैसले में दिक्कत नहीं है क्योंकि ऐसे मामले बीजेपी शुरुआत से ही उठाती रही है। हिंदी पट्टी में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस तरह के फैसले का समर्थन करता है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता ऐसे ही फैसलों से बढ़ी और 2022 में जनता ने उनके ऐसे फैसलों पर दोबारा भी मुहर लगाई थी। योगी मॉडल मतलब भगवा की राजनीति या हिंदुत्व। जब हम भगवा की राजनीति या हिंदुत्व बोलते हैं तो उसमें बीजेपी की राजनीति के सारे तत्व आ जाते हैं, और मध्य प्रदेश में जो विधानसभा में जो जीत हुई है बीजेपी की उसमें इस मॉडल का बहुत बड़ा योगदान था, और बीजेपी को ये बात अच्छे से मालूम है कि जनता ने उनके इस मॉडल पर मोहर लगाई है। देखिए, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कई साल पहले बीजेपी से जुड़े संगठन स्थानीय स्तर पर उठाने की कोशिश में रहते थे, लेकिन योगी सरकार के एक्शन के बाद अब सरकारी आदेश के जरिए अलग अलग राज्यों में से अमल में लाया गया।
यानी जिन मुद्दों को बड़े स्तर पर उठाने में बीजेपी पहले संकोच करती थी उसे अब बिना संकोच के उठाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की तरह अगर राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी वहां की सरकारें अगर योगी मॉडल को आगे बढ़ाती हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये बात एक कॉमन फैक्टर है जो तीनों ही स्टेट में निकल के आ रहा है कि ये जो तीनों ही मुख्यमंत्री हैं इसमें संघ की पसंद को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि संघ की पसंद से ये तीनों मुख्यमंत्री बने हैं। राजस्थान में भी आज शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो गया। सरकार की पहली कैबिनेट में क्या फैसले होंगे इसका सबको इंतजार है, लेकिन चुनाव जीतने के साथ ही कई विधायक मांस मछली को लेकर ऐसी सियासी फुर्ती दिखा चुके हैं। नतीजे के अगले ही दिन जयपुर की हवा महल सीट से विधायक आचार्य बालमुकुंद सड़क पर उतर गए थे। वो खुले में मांस मछली बेचने का विरोध कर रहे थे, उनका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। यानी राजस्थान की सरकार आने वाले दिनों में कैसे चलेगी इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। ये सही है कि हिंदी पट्टी में स्थानीय नेताओं और मंत्री मुख्यमंत्री के स्तर पर ऐसे फैसलों और एक्शन से लोकप्रियता बढ़ती है, लेकिन इसका दूसरा पहलू समझना भी जरूरी है, क्योंकि मांस मछली की कहानी बीफ से बिल्कुल अलग है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से हाल ही में किए गए सर्वे के कुछ आंकड़े मैं आपको बताता हूं। ये आंकड़े देखिए, पश्चिम बंगाल में मांस मछली खाने वालों की संख्या 99.3% है, तेलंगाना में 97.3% लोग ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं, आंध्र प्रदेश में सिर्फ 2.7% लोग शाकाहारी हैं, यानी यहां भी 97.3% लोग मांस खाते हैं। तमिलनाडु में मांस मछली खाने वालों की संख्या 97.7% है, ओडिशा में शाकाहारी सिर्फ 3.6% लोग हैं, यानी 96.4% लोग मांसाहारी हैं। इसी तरह केरल में 98.1% लोग मांस मछली खाने में संकोच नहीं करते। झारखंड में मांस खाने वालों की संख्या 95.3% है। बिहार में शाकाहारी सिर्फ 10% है, यानी यहां भी मांस मछली खाने वाले 90% है। कर्नाटक में 83% लोग ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं। दिल्ली में मांस मछली खाने वाले करीब 81% लोग हैं। यह आंकड़ा है। इसी तरह पूर्वोत्तर में सिक्किम को छोड़कर कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां मांस मछली खाने वालों की संख्या 99% से कम हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी को मांसाहारी लोग वोट नहीं देते। गोवा में करीब 97% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं जिन्होंने राज्य में बीजेपी की सरकार बनवाई। इसी तरह असम में 99% से ज्यादा लोग नॉन वेजिटेरियन हैं जिन्होंने राज्य में बीजेपी की सरकार बनवाई। अब सवाल यही है कि मध्य प्रदेश की सरकार के फैसले से दक्षिण के राज्यों में क्या संदेश जाएगा, वो भी तब जब बीजेपी तीसरी बार दिल्ली फतेह का प्लान तैयार कर रही है। बीजेपी मांस और मछली के अंडे के विक्रय के पर कुछ प्रतिबंधों की बात करती है तो उसके पहले वो सारे गुणा भाग कर लेती है राजनीति के इस खाके में, बीजेपी के इस खाके में, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो दक्षिण भारत हो या देश का कोई हिस्सा हो, उसको पूरी क्लैरिटी है कि उसको कहाँ कितनी राजनीतिक फायदा मिलने वाला है और कहाँ कितना नुकसान होने वाला है। बीजेपी ने उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत में गहरी धाक जमा ली है, लेकिन दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अभी भी सपना पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल है कि मांस मछली के खुले में बिक्री का विरोध करने से क्या दूसरे राज्यों में गलत मैसेज नहीं जाएगा, यानी नॉन वेज के विरोध को अगर बीजेपी के कई नेता सफलता का पैमाना मानते हैं तो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से इसमें कुछ सियासी नुकसान भी है। ABP News आपको रखे आगे।